वापस हावड़ा जाते हुए चेयर, तो इस वक्त मैं अपने सीट पर बैठा हुआ और हावड़ा से पर एसी 123-12848 से हम फिर रिटर्न, मैं हावड़ा जा रहा हूँ और सेकंड किसी में भी कुछ बैठाने को दिए। आप कभी आते हैं हावड़ा तो दीघा जरूर आइए, बहुत ही बेहतरीन जगह है, यानी समुद्र के किनारे हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा। फैमिली के साथ आइए आप और कलकत्ता का घूमने आते हैं। तो भाई इस रेपर के अंदर भरा है कचौड़ी है, और ये थोड़ा छोटा सा कचौड़ी है इंडियन रेलवे की तरफ से दिया हुआ, और ये मिठाई है लड्डू जिसे मैं निकालता हूँ। तो ये है लड्डू इंडियन रेलवे की तरफ से। और ये टी सामग्री, और अभी चाय आया तो मैं चाय बना रहा हूँ। ये चाय पत्ती को मैंने घोल दिया, ये शक्कर है, शक्कर मैं डाल देता हूँ अपने चाय में, और फिर ये मिल्क है दूध, चाय पत्ती को अच्छी तरह से हिला लेते हैं ताकि चाय तैयार हो जाए। तो भाई ये दूध का पाउडर है और इसे मैं अपने चाय में डाल रहा हूँ, अच्छी तरह से मिला दूँगा फिर, और फिर अपन मिल्क टी पियेंगे। तो भाई हमारा यह सफ़र हावड़ा से दीघा और दीघा से हावड़ा का यह सफ़र यहाँ पर समाप्त हुआ। हावड़ा सुपर एसी एक्सप्रेस 12848 का यह सफ़र बहुत ही अच्छा था। तो हम हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और इस वक्त हावड़ा रेलवे स्टेशन तो यहाँ था, और दीघा से हावड़ा सुपर एसी एक्सप्रेस 12848। तो आप इसमें जर्नी कीजिए कभी आप कलकत्ता आते हैं। ये हावड़ा से सिर्फ दीघा ही जाती है और दीघा से फिर हावड़ा आती है क्योंकि वहाँ बीच है, तो वहाँ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा यह सफ़र। तो यह ट्रेन दीघा से निकली थी 3:30 PM को, और यह हावड़ा पहुंच गई है आप वही 6:40 PM। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन।